अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गंधारा निसान मौजूदा ऑटो पॉलिसी के तनाजुर में डाटसन की गाड़ियों को पाकिस्तान में मुतारफ करवाने के लिए मुतहरिक है और अपने एक मंसूबे पर अमल पैरा है, लेकिन मौजूदा मुआशी हालात में गंधारा निसान लिमिटेड पाकिस्तान में डाटसन गाड़ियों की असम्बली के मनसूबों का जायजा ले रही है, क्योंकि कंपनी का ख्याल है कि मौजूदा मुआशी हालात, एक्सचेंज रेट्स और गैर यकीनी सूरत हाल के बायस अदारा इस मनसूबे का मुतहम मिल नहीं हो सकता। मंसूबे की तामीर से मुतालिक चैलेंजेस के अलावा मुकामी ऑटोमोबाइल मार्केट की सूरत हाल ने प्रोजेक्ट के इस्तेहकाम पर नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया है। हमें गैर तसल्ली बख्श मुआशी हालात, आला शरह सूद और कमजोर जर्रे मुबादला के बायस मंसूबे की टाइम लाइन को दोबारा तरतीब देना होगा। गंधारा निसान ने 2018 में ब्राउन फील्ड इन्वेस्टर्स की हैसियत हासिल की थी और उन्होंने अपने बिन कासिम प्लांट पर 6.5 बिलियन रुपए की सरमायाकारी करने का मंसूबा बनाया था, जिसके नतीजे में 2020 तक डाटसन क्रॉस को मुतारफ करवाया जाना था और बाद में 1200 सीसी डाटसन गो और डाटसन गो प्लस को लॉन्च करने का मंसूबा था। GNL के अहदेदार ने बताया कि पिछले 1.5 साल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी ने इस मंसूबे की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को बढ़ा दिया है, जबकि अजाफी कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और ज्यादा सूद की शराब भी असर अंदाज हुई है। ओहदेदार का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल मार्केट में आने वाले नए ऑटोमेकर्स के लिए साजगार नहीं है, क्योंकि मौजूदा कारसाज कंपनीज पहले ही बहरान का सामना कर रही हैं, जिसकी वजह उनकी फरोख्त में तकरीबन 50% तक कमी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए कंपनी के नोटिस के मुताबिक GNL ने अपने आगाज के पहले 3 सालों में 30% से ज्यादा लोकलाइजेशन करने का मंसूबा बनाया था। ताहम डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी की वजह से मंसूबे को काबले अमल बनाने के लिए पार्ट्स की लोकलाइजेशन करना बहुत जरूरी हो गया है। तकनीकी तशखीस के मुताले में बताया गया है कि कुछ हिस्सों की लोकलाइजेशन या तो मुमकिन नहीं है या मुकामी मार्केट में टेक्नोलॉजी और महारत की कमी की वजह से वक्त और वसाइल की जरूरत होगी। लिहाजा निसान मोटर्स लिमिटेड इस ऑप्शन पर भी गौर कर रहा है कि मतलूबा पार्ट्स को ग्लोबल वेंडर से CKD किट्स की सूरत में कम से कम कीमत के हिवज हासिल कर लिया जाए। GNL इस बात पर भी कंसर्न्ड है कि तमाम लवाजमात को जल्द अज जल्द पूरा कर लें ताकि 30 जून 2021 के महदूद वक्त तक कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो सके, ताकि नए इंट्रेंट्स के लिए ब्राउन फील्ड मराहत हासिल कर सकें। ओहदेदार ने मजीद कहा कि दोनों निसान मोटर लिमिटेड और गंधारा निसान लिमिटेड की टीमें मुंदरजा बाला अमूर को दूर करने के लिए दिन रात कोशा हैं, क्योंकि दोनों शराकतदार नए आने वालों को मिलने वाली रायत के सुनहरी मौका से महरूम नहीं होना चाहते। लेकिन नाज़रीन, अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर गंधारा निसान अपने महदूद वक्त में प्रोडक्शन देने में कामयाब नहीं हो पाती तो हतमी तौर पर अदारे को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो पिछले कुछ सालों से इस मंसूबे पर काम कर रही है जिसमें मालियाती सरमायाकारी के साथ साथ वर्क फोर्स भी शामिल है। हम अपने इस वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ के साथ करते हैं कि पाकिस्तान की मौईशत में जल्द से जल्द बेहतरी वाकई हो, ताकि दूसरी इंडस्ट्री के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी अपने इस्तेहकाम की तरफ जा सके। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली